हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइव वेज टू यूज आलिव सीड्स जिन्हें गार्डन क्रेस या हलिम सीड भी कहा जाता है तो ये सीड्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं बट इनके फायदे बहुत बड़े-बड़े हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए हॉर्मोनल बैलेंस हेयर ग्रोथ ग्लोइंग स्किन के लिए ये सीड्स बहुत उपयोगी हैं इसके अलावा वेट लॉस के लिए ओमेगा थ्री के लिए बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कम करने के लिए जैसे कि आयन ये सीड्स आप अप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं इन सीड्स का नेचर थोड़ा वार्म होता है तो ये परफेक्ट सीज़न है इन्हें डाइट में इंक्लूड करने का तो हम आज बात करेंगे थोड़ा सा इनकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पाँच सबसे अच्छे तरीके हैं इन्हें डाइट में इंक्लूड करने के तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीड्स न्यूट्रिशनल वैल्यू से शुरुआत करते हैं अगर मैं वन टेबल स्पून की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं, तो वन टेबल स्पून हालिम या आलिव सीड्स के अंदर पचपन कैलोरीज होती हैं, चार ग्राम काब्स जिसमें से एक ग्राम फाइबर होता है दैट मीन्स दे आर रिच इन फाइबर प्रोटीन थ्री ग्राम्स यानी ये प्रोटीन में भी काफी रिच होते हैं फैट 2.9 ग्राम जिसमें ओमेगा 3 है इसके अलावा अच्छे सोर्स हैं ये प्लांट बेस्ड डाइट के लिए यानी वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए ओमेगा थ्री का अच्छा सोर्स हैं और इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं न आगे जाने से पहले अगर मैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर हार्मोनल बैलेंस को करेक्ट करने के लिए मैं साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ये सीड्स काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं इसके अलावा आपको अगर इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है आपकी गट हेल्थ अगर ख़राब है तो आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं ये हेल्प करते हैं इन ट्रीटिंग रेस्पिरेट्री इन्फेक्शन इसके अलावा कोई भी डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्किन एज आई सेड अगर आपको हेयर लॉस है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट प्रेगनेंसी जो फीमेल्स इन्हें डाइट में इंक्लूड करती हैं उनकी रिकवरी में ये हेल्प करते हैं और साथ ही मिल्क के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं ये आपकी इम्यूनिटी को और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए भी यूज़फुल साबित हो सकते हैं आयन डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हैं और मेमोरी बूस्टर की तरह भी काम करते हैं अगर मैं इनकी डेली रिकमेंडेशन की बात करूं कि कितना आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए तो इफ़ यू आर वेरी न्यू टू सीड्स आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप एक ग्राम से तीन ग्राम तक ऑन डेली बेसिस या फिर हफ्ते में तीन या चार बार ले सकते हैं तीन ग्राम का मतलब है आधा टी स्पून तक अगर आप काफी टाइम से ले रहे हैं तो आप अप टू वन टी स्पून ले सकते हैं और अगर मैं एवरेज बात करूं तो जनरल हेल्थ के लिए आप एक टी स्पून आलिव सीड्स दो से तीन बार मैक्सिमम चार बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कैसे आप इन्हें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं तो ऑलिव सीड्स के अंदर हेल्दी फैट होता है और फैट सॉलेबल वाइटाम्स भी होते हैं और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं उनके एब्जॉर्बन के लिए अगर आप इसे किसी फैट के साथ मिलाकर खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा

काओ मिल्क के अंदर देसी काओ मिल्क के अंदर हेल्दी फैट होता है तो इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशन का उससे बहुत अच्छा आपका ऑप्शन होगा अगर आप वीगन हैं तो आप आमंड मिल्क या घर का बना हुआ नारियल का दूध जो होता है उसमें भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार या दो बार इसे खीर भी बना सकते हैं तो आप इन्हें सो करके रख सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड मैं आलिव सीड के खीर या फिर पुडिंग जिसे कहते हैं या फिर आप शीरा भी कह सकते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है जहाँ आप हेल्दी फैट में इसे मिक्स कर सकते हैं वो है कि आप इनके लड्डू बना सकते हैं जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें आलिव सीड्स को कोकोनट वाटर के अंदर सोक करते हैं और फिर इन्हें कोकोनट को फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके उसके साथ इसके लड्डू बनाते हैं जिसमें देसी घी भी ऐड किया जाता है इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द रेसिपी लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स मैं ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगी सो so, आलिव सीड्स को आप दूध के साथ खीर में या फिर आप लड्डुओं में इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में आप इन्हें जो यूजुअल अपने एनर्जी बॉल्स या एनर्जी बार्स या प्रोटीन बार्स बनाते हैं उनके अंदर भी ऐड कर सकते हैं आप सोक करके इन्हें स्मूदीज और शेक्स में भी ऐड कर सकते हैं इसका जो नेक्स्ट मेथड है सबसे अच्छा कंज्यूम करने का वो है आप इन्हें स्प्राउट करके कंज्यूम कर सकते हैं एज आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी सीड को या ग्रेन को स्प्राउट करते हैं तो उसके अंदर लाइफ वापस आ जाती है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं क्योंकि एक बार फिर से वो फूड जो है वो अलाइव हो जाता है इसके अलावा उसका जो फाइबर होता है वो भी इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है बाकी न्यूट्रिएंट्स की डाइजेस्टिबिलिटी एब्जॉर्बशन एंड यूटिलाइजेशन भी काफ़ी गुना बढ़ जाता है ऐसे में अगर आप ऑलिव सीड्स को भी स्प्राउट करके सेलेड के अंदर दाल के अंदर सब्जी के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इसके अलावा अगर आप इसे किसी भी फैट में ऐड करना नहीं चाहते हैं वैसे ये मेरा लीस्ट फेवरेट मेथड है लेकिन आप इसे वाटर के साथ भी थोड़ी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ आप इसे थोड़ी मात्रा में रोस्ट करके रख सकते हैं आप इनका पाउडर बना के रख सकते हैं और इस पाउडर को आप किसी बैटर के अंदर किसी डो के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं किसी बेकिंग रेसिपी में इंक्लूड कर सकते हैं सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं सूप पे स्प्रिंकल कर सकते हैं तो ये भी एक आसान तरीका है जहाँ आप ऑलिव सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसे एक साथ रोस्ट करके ना रखें क्योंकि जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में आता है आप इसे रोस्ट कर देते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली सो स्मॉल पोर्शन में आप इसे रोस्ट करके ग्राइंड करके रखें और यूज करें ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जस्ट लाइक सीड्स एंड चीयर सीड्स आलिव सीड्स जो होते हैं वो भी लिक्विड के कांटेक्ट में आने के बाद एक्सपैंड हो जाते हैं ये अपने से 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं ज़्यादा वाटर या फ्लूड अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ऐसे में ये जो है इसकी प्रॉपर्टी वो आती है इसके अंदर जो फाइबर होता है और जो अदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो जैसे मैं फ्लैक्स सीड के साथ चिया सीड्स के साथ आपको एडवाइस देती हूँ अगर आप ऑलिव सीड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो अपने डेली वाटर का कंजप्शन आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दें क्योंकि इसके अंदर फाइबर जो होता है वो अंदर जाके भी एक्सपैंड होगा वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा ऐसे में ऐसा न हो कि आपकी बॉडी ज़्यादा ड्राई हो जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो उससे बचने के लिए मेक श्योर sure कि आप अपने फ्लूड के कंजप्शन को इंक्रीज़ करें एंड वाई आई एम सेंग दिस क्योंकि विंटर्स में काफ़ी लोगों का फ्लूड का कंजप्शन बहुत कम हो जाता है ऐसे में आप हो सकता है कि सीड्स को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं डाइट के अंदर और भी ज़्यादा आप फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स अदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स होल ग्रेन्स मिलेट्स लेकिन आप पानी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे में सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑल्सो इफ यू आर इन एक्टिव तो और ज्यादा रिस्क हो जाता है सो मेक श्योर वेन यू इंक्लूड ऑलिव सीड्स इन योर डाइट अपने फ्रूट का कंजप्शन आप थोड़ा सा इंक्रीज करें तो ये था ऑल अबाउट ऑलिव सीड्स हाउ टू यूज़ आलिव हालम या फिर गार्डन करे सीड्स बहुत ही यूज़फुल हैं आई हाईली रिकमेंड अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है किसी भी तरह की हेयर या डर्मेटोलॉजिकल जैसे कि आपको डांड्रम बहुत ज़्यादा होता है या फिर आपके बाल थिन हैं तो बालों को जितने न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं सारे इन सीड्स के अंदर आपको मिलेंगे हॉर्मोनल बैलेंस के लिए क्योंकि इनके अंदर अल्फा एल्फोलिनियोलिक एसिड होता है और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हॉर्मोन्स के लिए फेवरेबली काम करेंगे तो आप इन्हें ज़रूर डाइट में इंक्लूड करें थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट स्टे एक्टिव एंड आई बी बैक वेरी सुन ट नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर बाय